आप देख रहे हैं न्यूज 14 और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है टॉप 10। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी, अलाव का सहारा ले रहे लोग, घने कोहरे की वजह से ट्रेन भी लेट, लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया है। वही इलाके में घने कोहरे और धुंध से बुरा हाल है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में सर्दी और बढ़ने का अनुमान जताया है। पीएम मोदी आज देश को समर्पित करेंगे सबसे लंबी समुद्री पुल। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। साथ ही इस पुल के बनाने से मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत तक का यात्रा में टाइम भी कम लगेगा। सेना प्रमुख ने कहा कि म्यांमार के 416 सैन्य कर्मी भारत में घुस आए थे, जिन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यमन अमेरिका से आरपार की लड़ाई के लिए तैयार, दी खुली धमकी। यमन का कहना है कि अगर कोई हमारे ऑपरेशन में बाधा डालेगा तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब जरूर देंगे। इसराइल पर गाजा में नरसंहार का करने का आरोप, हेग इंटरनेशनल कोर्ट में होगी सुनवाई। टोरेंट की कार्रवाई के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश। शांतिनगर के गायत्री नगर में बिजली चोरी की कार्रवाई करने गए टोरेंट कर्मचारियों पर घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट का आरोप लगा है। इस मामले में शांतिनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाया है। घर वालों का आरोप है कि महिला को घर में घुसकर पुरुष पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तालाब में तैरने गए चार दोस्त की डूबने से हुई मौत। छत्रपति संभाजी नगर के वालूच इलाके में रंजन गाँव में बंकरवाड़ी तालाब में चार दोस्त की डूबने से मौत हो गयी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष आर्टिकल 10 भूल गए, असदुद्दीन ओवैसी ने की आलोचना। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आलोचना की है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय पारित करते समय संविधान के आर्टिकल 10 के बारे में भूल गए। मुंबई में छोटे से कमरे में चल रही थी एमडी बनाने की फैक्ट्री, मालवनी पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार। लोनावला में प्रदर्शनकारियों ने डेक्कन क्वीन रेलवे को 20 मिनट तक रोका, प्रदर्शनकारी आक्रामक। प्रदर्शनकारियों ने पुणे से मुंबई की ओर जा रही डेक्कन क्वीन को लोनावला रेलवे स्टेशन पर 20 मिनट तक रोके रखा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।